ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मैडम है करण, एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि गाइस एज अ मॉडल अगर आप लोग भी अपना फोटो शूट करवाते हो तो आप लोगों को तीन मिस्टेक नहीं करनी है, जो कि गाइस आज की इस नई वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जिससे गाइस आप लोगों को तीनों टिप्स जो है आप लोगों का फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, एंड अभी भी ये चीजें हेल्प करेंगी, बट आप लोगों को जो है कैसे यूज करना है एंड क्या गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को, सारा चीज आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चीज जो कि गाइस आप लोग बहुत मिस्टेक करते होंगे, जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि जब भी हम फोटो शूट के लिए हम प्लानिंग करते हैं और हम नेक्स्ट डे जैसे हम फोटो शूट के लिए जाने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि गाइस हम लोग कोई भी आउटफिट पहन के जो अपने फोटो शूट पे निकल जाते हैं, जो कि गाइस सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जब भी अगर हम फोटो शूट करने जा रहे हैं और हमारे आउटफिट अगर उस लोकेशन के हिसाब से नहीं है तो हमारी फोटोज इतनी खास नहीं आएगी। इससे गाइस क्या होगा कि मतलब कि जब आप एडिटिंग भी करोगे अपनी फोटोज को, आप क्लिक कर लोगे उसको एडिटिंग भी करने जाओगे, तो आप लोगों की फोटोज इतनी अच्छी एडिट नहीं हो पाएगी। क्योंकि गाइस क्यों नहीं हो पाएगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और एडिटिंग का क्या रोल होता है हमारी फोटो में वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले चीज़ यही कि गाइस कभी भी आप लोग अगर अपना फोटो शूट करवाना जाते हो तो गाइस आप लोग पहले अपने आउटफिट का ध्यान जरूर करना कि आपको आउटफिट जो है लोकेशन के हिसाब से ही पहननी है। अगर गाइस लोकेशन के हिसाब से आउटफिट नहीं है तो आप उस लोकेशन के अलावा दूसरी लोकेशन देख लो जो कि आपके आउटफिट से मैच करती हो। फिर उसके बाद अगर आपके पास कभी फ्यूचर में अगर दोबारा आप उस टाइप के आउटफिट खरीद लेते हो तो आप दोबारा उस टाइम पर जाकर वहाँ से जो है फोटोज को क्लिक कर सकते हो वहाँ पे। दूसरी चीज जो कि गाइस आप लोग करते हो कि मतलब कि कई बार क्या होता है कि आप लोग फोटोज को जब आप अपनी क्लिक करते हो तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हो कि ये फोटोज तो बहुत अच्छी आई है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, उसको डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि गाइस कभी भी जब आप अपनी फोटोज को क्लिक करते हो तो गाइस पूरी 100% अपलोड करने के लिए मतलब फोटो रेडी नहीं होती है, क्योंकि गाइस 100 में से 30% जो काम होता है वो एडिटिंग का भी होता है, जो कि गाइस अगर एडिटिंग नहीं होगी फोटो में तो गाइस मतलब फोटो पूरी की पूरी अधूरी है। मतलब कि अगर आपने फोटोज क्लिक भी करी और आपको कलर वगैरह ठीक लग रहा है तो फेस स्मूथिंग एंड जो फेस पे जो ब्राइटनेस वगैरह होती है वो चीज़ भी करनी होती है फोटोज में, क्योंकि गाइस अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो आपकी फोटो बिल्कुल अधूरी है। क्योंकि गाइस किसी मतलब कि कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनके फेस पे पिंपल वगैरह जो होती है एंड फेस पे थोड़ी सी मतलब कि शेडो वेडो भी आ जाती है फेस पे, तो फोटोज जो एकदम कंप्लीट नहीं आ पाती। तो क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे जो है हमारा एडिटिंग का प्रोसेस जो होता है उससे जब तक आप एडिटिंग थोड़ी बहुत भी नहीं करोगे तो आपकी फोटो जो बिल्कुल अधूरी है, मतलब वो रेडी नहीं है अपलोड करने के लिए। तो आप लोग कभी भी अपनी फोटोज को मतलब क्लिक करते हो तो पहले उसमें अपने फेस स्मूथ एंड जो भी मतलब कलर करेक्शन हल्की फुल्की वो सब कर लिया करो, एंड जो कपड़े के जो लाइट वगैरह होते हैं जो एक्स्ट्रा उनको भी मतलब आप कलर बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है ये सब मतलब कि एडिटिंग वगैरह फोटोज में करना तो आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड आप सभी को जैसे कि पता है कि पूरा चैनल ही फोटोग्राफी एंड एडिटिंग से रिलेटिव है तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मतलब कि जो एडिटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आप उनको जाकर देख लेना, आपको जो वहाँ से वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो मतलब ये वाली जो मिस्टेक है आप जो इसमें क्या करते हैं कि बहुत से मतलब कि क्रिएटर जो है और जो एज अ मॉडल जो फोटो शूट करवाते हैं उनको क्या होता है कि ये वाली प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब जब भी वो फोटोज क्लिक करवाने के लिए मतलब ये रेडी होते हैं कि हमें जाना है फोटो शूट के लिए तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। ये मेरे साथ भी होती थी कि मतलब जब भी मैं फोटो शूट के लिए जाता तो मैं सोचता था आज कौन सा आउटफिट पहनूं और किस लोकेशन में मेरे को कैसे आउटफिट जो है अच्छे लगेंगे। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि गाइस अगर आपको पास कोई भी स्ट्रीट लोकेशन है तो उस टाइम पे गाइस आप लोग कोशिश करो कि आप जो डार्क टाइप के कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि गाइस स्ट्रीट लोकेशन में क्या होता है कि हमारे जो कलर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है बिल्डिंग्स में अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं ना, सभी बिल्डिंग में एक सेम कलर तो होता नहीं, तो सारे अलग अलग कलर होते हैं। तो आप उस टाइम में क्या होता है कि अगर आपके कपड़े डार्क होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप जो है मतलब कि जो भी कलर टोन रखोगे तो आपके क्लोथ्स के ऊपर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डार्क कपड़ों का यही फायदा है कि आप डार्क कपड़े पहन के स्ट्रीट पर आप जाकर फोटोज को क्लिक करवा सकते हो। तो आप लोग जो है डार्क जब भी मतलब स्ट्रीट की बात आएगी तो आप लोग डार्क कपड़े एकदम कंफर्म रहोगे कि आपको वहाँ पे वही पहन के जाना है, एंड बाकी क्या जब आप फोटोशूट और वगैरह जब करते रहोगे ये सब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होता रहेगा कि आपको किस टाइप के क्लोथ्स कहाँ पे पहनने चाहिए। तो आप लोगों को अगर इसके ऊपर एकदम कंप्लीट वीडियो चाहिए कि आपको लोकेशन पे किस टाइप के कपड़े पहन के जाना चाहिए तो एकदम मैं पूरी प्रॉपर एकदम कलर्स के साथ मैं आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी लोकेशन पे किस टाइप के कपड़े पहनना है, तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना, आपको उसके लिए उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी गाइस यहीं तक, होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।